23 अक्टूबर को मैंने ये वीडियो बनाया था और इसके नीचे मैंने ये पिन कमेंट करा हुआ है, आप इसे रीड ज़रूर करें। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आपका पिन कमेंट नहीं मिल रहा, तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत अजीब सी चीज़ हुई है। आप देखेंगे गूगल क्रोम मैंने ओपन करा हुआ है, वहाँ पर ये पिन कमेंट शो कर रहा है, पर जैसे ही मैं मोजिला फायरफॉक्स ओपन कर रहा हूँ वहाँ पर मेरा पिन कमेंट शो नहीं कर रहा। तो आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, आप मेरे पिन कमेंट को रीड करें गूगल क्रोम के अंदर। अगर आपके पास गूगल क्रोम नहीं है तो मैं इस पूरे पिन कमेंट को कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, इस लाइन के नीचे आपके सामने मैं कर रहा हूँ, जिससे आपके लिए क्लियर हो जाएगा। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हमारी ऐड भी शो नहीं कर रही है, तो आपकी ऐड तब शो करेगी जब एडमॉब की तरफ से आपके पास एक ईमेल आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे अक्टूबर 23 इसी दिन मैंने अपना वीडियो डाला था और सेम डे मुझे ईमेल आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे सेट पेमेंट के लिए कह रहा है, जब तक आप पेमेंट की डिटेल्स नहीं डालेंगे तब तक आपकी ऐड शो नहीं करेगी। यहाँ पे सेटअप पेमेंट्स लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज ओपन होगा और यहाँ पर लिखा है सेटअप पेमेंट्स, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको डिटेल्स फिल करनी है। नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपकी सारी डिटेल्स फिल है, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो आप देखेंगे मैं ऑलरेडी यहाँ सारी डिटेल्स फिल कर चुका हूँ। यहाँ से आपने पेज को बिल्कुल नीचे करना है और उसके बाद ये जो सबमिट का बटन है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉगर और वर्डप्रेस के अंदर फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, जो आपका टेक्स्ट होता है उसके साइज़ को, प्लस आप फॉन्ट के स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं। एक नॉर्मल वेबसाइट जैसे हमारी ब्लॉगर और वर्डप्रेस में होती है, उसके अंदर आप स्टाइलिश, कूल कह सकते हैं या फिर ऑसम फॉन्ट्स को कैसे ऐड करेंगे, जिससे आपकी वेबसाइट की लुक पूरी चेंज हो जाएगी। इसके ऊपर मे बी आपने वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे, पर आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो इतना सिंपल और इतना ईजी है, आपको सिर्फ 2-3 स्टेप फॉलो करने हैं और आपका फॉन्ट स्टाइल पूरा चेंज हो जाएगा, मतलब आपका पूरा टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, चाहे वो हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, जिसको हम H1, H2, H3 भी बोलते हैं। H1 से लेके H6 तक आप सारी हेडिंग्स को चेंज कर सकते हैं, प्लस आपका जो मेन कंटेंट है आप उसे भी बहुत ईजिली चेंज कर सकते हैं। ये सब कैसे होगा वो तो लैपटॉप की स्क्रीन पे चल के बताऊंगा, पर उससे पहले हमेशा की तरह मैं एक बात बोलूंगा, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अब मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। मैं हूँ वेदांत और वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस के अंदर कैसे स्टाइलिश कूल फॉन्ट्स को ऐड कर सकते हैं, मतलब जो भी आपका नॉर्मल कंटेंट है, जो भी टेक्स्ट है, इसको आप स्टाइलिश लुक कैसे दे सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स आपको अपने डैशबोर्ड में आना है, प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च बार में आपने लिखना है गूगल फॉन्ट्स। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो फ्रेंड्स नीचे आपके सामने एक प्लगइन आ जाएगा, आपने उस प्लगइन को यहाँ से इंस्टॉल नाउ करना है। गूगल फॉन्ट्स टाइपोग्राफी आप इसका नाम ज़रूर देखें और उसके बाद आपने इसे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट होने के बाद आपके यहाँ पे एक मैसेज आ गया कि आपका गूगल फॉन्ट्स इंस्टॉल हो चुका है वर्डप्रेस के अंदर। यहाँ पर आपको एक लिंक दिया है वर्डप्रेस कस्टमाइज़र, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहली ऑप्शन आपको दिखेगी गूगल फॉन्ट्स की, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शंस मिल रही है, पर हमारे लिए यही 2 मेन है। आपने बेसिक सेटिंग्स में जाना है, इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलेगी। फर्स्ट वाली आप ऑप्शन देख रहे हैं वो आपके कंटेंट के लिए, मतलब आपने ये जो कंटेंट लिखा हुआ है इसकी फॉन्ट फैमिली को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अभी मैं फ्यूचुरा के ऊपर क्लिक करूँगा और आप देखेंगे यहाँ से मेरा फॉन्ट चेंज हो गया। आपको यहाँ काफ़ी सारे स्टाइल्स मिलेंगे, आप चाहे तो किसी के भी ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से अभी मैं इसको डिफ़ॉल्ट फॉन्ट रहने दूंगा। उसके बाद ये आ रहा है हेडिंग टाइपोग्राफी, आप ये जो हेडिंग देख रहे हैं जितनी भी आपने ऐसे हेडिंग दी है उसके फॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे, उसके बाद एक चेंज और मैं आपको बताऊंगा। आप देखेंगे यहाँ से ये मेरे चेंज हो रहे हैं, अभी मैं इसको डिफ़ॉल्ट फॉन्ट पे रहने दूंगा। उसके बाद ये आ रहा है बटन्स एंड इनपुट टाइपोग्राफी, अगर आप इसके अंदर बटन्स लगाते हैं, कोई डाउनलोड, बाय नाउ, क्लिक हेयर, इस तरह का कोई बटन लगाएंगे तो उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपने बैक में जाना है, अब आना है आपने एडवांस सेटिंग्स के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद आप देख रहे हैं सबसे फर्स्ट ऑप्शन है ब्रांडिंग, जो ये लिखा है माई ब्लॉग। नॉर्मली जो हमारी ब्रांडिंग होती है वो आपके नाम की होती है, जैसे मेरा यहाँ टेक्नो वेदांत लिखा हुआ है, तो अभी मैंने ये डेमो वेबसाइट बना रखी है तो ब्रांडिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट करा तो आप देखेंगे मेरा ये वाला फॉन्ट चेंज हो रहा है। यहाँ से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये सेकेंड फॉन्ट फैमिली आ रही है, उसके बाद हम जो ब्रांडिंग के नीचे जो सब हेडिंग देते हैं ये उसके फॉन्ट को चेंज करेगा। यहाँ से आप देखेंगे मैंने इसको क्लिक करा और इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, पैसे किसी भी फॉन्ट को यहाँ से सिलेक्ट करके अपने कंटेंट के टेक्स्ट को स्टाइलिश बना सकते हैं। यहाँ से अब हम बैक करेंगे, अब आता है यहाँ से नेविगेशन। नेविगेशन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, ये जो नेविगेशन होती है जिसपे मैंने ये होम, एडसेंस, एंड्रॉयड बनाया है, इसके फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना है।
तो आपके पास ये वाली ऑप्शन है नेविगेशन की। इस वेबसाइट के अंदर नेविगेशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक डेमो वेबसाइट है और मैंने सिर्फ इसमें एक ही पोस्ट लिखी है। तो यहाँ से आप इसके नेविगेशन को मतलब मेन मेन्यू के फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपने बैक करना है, उसके बाद कंटेंट, आपका ये जो मेन कंटेंट देख रहे हैं इसको कैसे चेंज करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से आप उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप H1, H2, H3, H4, H5, H6 जितने भी आपकी हेडिंग होती है उसको चेंज करेंगे और आपका जो मेन कंटेंट होता है, जो ये मेन वाला है, इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब देखेंगे जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो यहाँ से मेरा ये सारा फॉन्ट चेंज हो गया। यहाँ से हेडिंग जो होती है, हमारा मेन टाइटल होता है, आप ये H1 को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से आपने H2, H3, H4, H5, H6 इन सबको यहाँ से आपने चेंज करना है। यहाँ से बैक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है साइड बार की। आप देखते हैं यहाँ जो साइड बार होता है आपकी वेबसाइट में, राइट साइड में आपकी जो इस डिटेल्स आ रही होती है इसके भी फॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से पेज को अगर आप बिल्कुल नीचे करेंगे, ये फुटर वाला एरिया है, इसके भी फॉन्ट को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं साइड बार की ऑप्शन है और उसके बाद सबसे नीचे आपको फुटर की ऑप्शन मिलेगी। वर्डप्रेस के अंदर फॉन्ट को चेंज करना, स्टाइलिश फॉन्ट को ऐड करना बहुत ईजी होता है। एक प्लगइन इंस्टॉल करा और उसके बाद जस्ट आपने 2 या 3 क्लिक्स करने हैं, उसके बाद आपके ये चेंजेस हो जाते हैं। पर ब्लॉगर के अंदर ऐसा नहीं होता, आप सब जानते हैं ब्लॉगर के अंदर कोई प्लगइन नहीं होता, उसके अंदर कोडिंग होती है। अब वो कौन सी कोडिंग होती है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। यहाँ से आपने अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपने थीम्स में जाना है और यहाँ लिखा है एडिट HTML, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपने गूगल में जाना है, वहाँ पर लिखना है गूगल फॉन्ट्स। आप ये जो फर्स्ट वेबसाइट देख रहे हैं इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपकी गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स बहुत सारे फॉन्ट्स मिलेंगे, बहुत सारे स्टाइल मिलेंगे, पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आज मैं जो आपको इसका तरीका बताऊँगा इतना सिंपल और इतना ईजी बताऊँगा, आपको उसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही ईजिली अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, चाहे वो आपके H1 है मतलब Heading 1, Heading 2, Heading 3 या फिर आपका पैराग्राफ है जो आपका मेन कंटेंट होता है। यहाँ पर आपको इतने फैंसी फॉन्ट्स मिलेंगे फ्रेंड्स, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं भी आपको एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस फॉन्ट को यूज़ करना चाहता हूँ अपनी H1 की हेडिंग में, तो मैं करूँगा क्या, यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से आपको 2 कोड मिलेंगे। इस चीज़ को बहुत ध्यान से करना, नहीं तो आपकी कोडिंग में गड़बड़ हो सकती है। यहाँ से आपने सारा कॉपी करना है, उसके बाद आपको डैशबोर्ड में आना है। यहाँ पे आपको हेड की ऑप्शन मिल रही है, हेड टैग मिलेगा, इसके नीचे आपने इसको पेस्ट कर देना है और बिल्कुल लास्ट में आपने इसको क्लोज करना है। और यहाँ पे जो आप एंड देख रहे हैं इधर आपने AMP और ये साइन लगा देना है। उसके बाद मैं नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये कोड दूंगा, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। अगर किसी वजह से ये कोड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नहीं आया तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर वहाँ पर भी नहीं आया, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि फायरफॉक्स में नहीं आ रहा और गूगल क्रोम में आ रहा है, तो आपने करना क्या है, डायरेक्ट मेरी वेबसाइट में जाना है। यहाँ पे आपने इस पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप पेज को थोड़ा सा नीचे करेंगे तो सेम यही कोड आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आएंगे, कंट्रोल F प्रेस करके आपने यहाँ पे पेस्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। अब वापस आपको गूगल फॉन्ट्स में आना है, यहाँ से आपने इस कोड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फ्रेंड्स आपने इसके ऊपर पेस्ट करना है। यहाँ पे मैंने क्लिक करा, एंटर प्रेस करा और यहाँ पे आप H1 पे अगर देना चाहते हैं तो आप H1 लगाएंगे और उसके बाद आपने ये वाली ब्रैकेट लगानी है। उसके बाद आपने अपना फॉन्ट कॉपी जो करा था उसको यहाँ पेस्ट करना है और इस ब्रैकेट को आप क्लोज कर देंगे। पर सेव करने से पहले मैं आपको अपनी एक पोस्ट दिखा देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ ये सिंपल लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई भी एडिटिंग अभी नहीं करी, मतलब कोई भी मैंने फॉन्ट यहाँ पे ऐड नहीं करा। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे टेक्स्ट होता है बिल्कुल सेम वैसे ही रहने दिया मैंने। अब यहाँ से मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ किसी भी तरह का कोई एरर नहीं आया। इस पूरे URL को मैंने यहाँ पे कॉपी करा और उसके बाद मैंने फिर से इसको ओपन करा। अब यहाँ से हम डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में क्या चेंजेस आया है। आप देखेंगे मेरा जो H1 की हेडिंग थी यहाँ पे आ रहा है हाउ टू क्रिएट बैकलिंक्स किस तरह से लिखा है, और उसके बाद जैसे ही मैंने फॉन्ट चेंज करा तो आप देखेंगे उसका स्टाइल किस तरह से हो गया। ठीक ऐसे ही आप H2, H3, H4 इनका भी कर सकते हैं, पर उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको दोबारा गूगल फॉन्ट में जाना है। हम इसको यूज़ कर चुके हैं, अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। H2 में आपको कौन सा फॉन्ट रखना है, H2 में मुझे ये वाला फॉन्ट पसंद आ रहा है, यहाँ से मैं ऐड करूँगा। वापस इसको मैं क्लिक करूँगा और मैं सारा यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद फिर से मैं अपने डैशबोर्ड में जाऊँगा, हेड के नीचे मैं फिर से इसको पेस्ट करूँगा और जैसे मैंने पहले बताया था यहाँ पर आपको क्लोजिंग टैग ज़रूर देना है, मतलब इसको आपने क्लोज ज़रूर करना है।
और बीच में जहाँ पे एंड आ रहा है उसके आगे आपने एएमपी और ये साइन लगाना है। वापस गूगल फॉन्ट में आना है और आपने यहाँ से इसकी फॉन्ट फैमिली को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस हम यहीं पे जाएंगे जहाँ हमने पहले कोड डाला था, और इसके नीचे फ्रेंड्स आपने अब H2 लिखना है। जैसे पहले हमने H1 लिखा था सेम वही ब्रैकेट डालेंगे, फॉन्ट की फैमिली डालेंगे पूरी, और यहाँ पे हम इसे क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव होने के बाद मैं अपनी पोस्ट में आऊँगा और इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करने के बाद मैंने पेज नीचे करा और आप यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स ये जो मेरी H2 हेडिंग थी उसका फॉन्ट यहाँ से चेंज हो चुका है। अगर मैं आपको पुरानी पोस्ट दिखाऊंगा तो उसके अंदर जो हेडिंग आ रही थी वो इस तरह से आ रही थी, तो आप देखेंगे दोनों में कितना डिफरेंस है। अब मैं आपको ये बताऊंगा जो आपका मेन कंटेंट है उसके फॉन्ट को आप कैसे चेंज करेंगे। जिस तरह से मैंने अभी H1 और H2 को करा है बिल्कुल आपने वैसा नहीं करना, उस तरीके से आपका फॉन्ट बिल्कुल चेंज नहीं होगा। वापस आपने गूगल फॉन्ट्स में जाना है, यहाँ से आपने इसको रिमूव करना है। अब आप अपने मेन कंटेंट के लिए कौन सा फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ से एग्जांपल के लिए मैं इस फॉन्ट को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ से आपने इस कोड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस आपको अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में जाना है। अभी तक इसका तरीका बिल्कुल सेम यही है जैसे मैंने आपको ये वाला बताया है, पर इसके बाद जो करना है फ्रेंड्स वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर फिर से आपने AMP लिखना है और उसके बाद आपने ये साइन लगाना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है फॉन्ट फैमिली और यहाँ से आप एंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे ये मेरा बॉडी कंटेंट CSS, ये आपको सर्च करना है। मे बी आपके टेम्पलेट पे कोई और नाम हो, पर आपने एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है जो आपका मेन बॉडी कंटेंट है आपने सिर्फ उसी को ही सर्च करना है, जैसे मैं यहाँ कर चुका हूँ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको रिप्लेस करना है। रिप्लेस क्या करना है, नीचे जो ये फॉन्ट है यहाँ से पूरा आपने इसको कॉपी करना है और वापस डैशबोर्ड में आने के बाद आपने अपने कोड को यहाँ से चेंज करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको रिप्लेस कर देंगे और आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉन्ट साइज़ लिखा है अभी 14 है, ये बहुत छोटा है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसको भी बढ़ाएंगे। मैंने सेव थीम के ऊपर क्लिक करा, उसके बाद अब मैं आपको यहाँ से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि ये जो मेरा मेन कॉन्टेंट था आप देखेंगे उसका स्टाइल भी यहाँ से चेंज हो चुका है। पुराना जो हमारा स्टाइल था वो इस तरीके का था और नया हमारा ऐसा हो गया। और जैसे मैंने कहा था कि फॉन्ट साइज़ को हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिखा है 14, अब 14 की जगह हम यहाँ पे कर देते हैं 16 और उसके बाद मैंने फिर से सेव थीम के ऊपर क्लिक करा। अब यहाँ से मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर आप देखेंगे साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हो गया, मेरा 16 हो गया। पुराना साइज़ मेरा ये छोटा था और आप फॉन्ट भी देख सकते हैं मेरा कितना स्टाइलिश और कूल फॉन्ट हो गया। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, आप देखेंगे साइड बार में भी मेरा जो फॉन्ट है वो यहाँ से चेंज हो चुका है। प्लस यहाँ से मैं नीचे करूँगा और यहाँ पे भी आप देखेंगे सारे फॉन्ट मेरे चेंज हो चुके हैं, चाहे वो फुटर है, कमेंट्स हैं या फिर आपका एडमिन एरिया, वो सारा यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो आपने देखा आप कितनी इजीली H1, H2, H3 जितनी भी हेडिंग्स होती है उनके फॉन्ट के स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं। आपका जो मेन टेक्स्ट है मतलब मेन कंटेंट है उसको भी आप बहुत ही ईजिली चेंज कर सकते हैं, वो भी गूगल फॉन्ट्स के थ्रू। कितने सिंपल स्टेप्स से, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वर्डप्रेस में प्लगइन इंस्टॉल करना है और आपको अपने ब्लॉगर की थीम में सिर्फ 2-3 कोड ऐड करने हैं। आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आता रहता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं बहुत जल्दी फिर से मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।